पांच कूल फीचर जो कि WhatsApp में आपको जरूर यूज करने चाहिए। नंबर वन, सेंड ए मैसेज विदाउट सेविंग नंबर। अगर आपको किसी भी नंबर से चैटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर उस मोबाइल नंबर को सेव करना पड़ता है, बट आज के बाद में आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आप जो भी नंबर है किसी भी एक चैट पे जाइए और सिंपली उस नंबर पे आप टाइप कर देना है और जैसे सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस नंबर पे सिंपली आप टैप कीजिए। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास में अगर इस नंबर से कोई भी बिजनेस अकाउंट या फिर कोई भी WhatsApp अकाउंट एक्टिव होगा तो यहाँ पर ऊपर इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा कि आप उसके साथ में चैट कर सकते हैं। जैसे आप उसके चैट पर क्लिक करेंगे तो आप इसके साथ चैट कर सकते हैं बिना सेव की भी। नंबर टू, मीडिया विजिबिलिटी। अगर आपके पास में बहुत सारे ग्रुप हैं और उनके अंदर बहुत सारे एसएमएसेस आ रहे हैं, मीडिया फाइल्स आ रही हैं और आपके पास में यहाँ पर पिक्चर्स आ रही हैं तो उन सभी को आपको गैलरी के अंदर भी आपको व्यू करना पड़ता है, यानी कि आपका जो गैलरी का स्पेस है वो भी कवर हो रहा है। अगर इसको आप स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे ये कोई ग्रुप और उसके अंदर मेरे पास में बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो फाइल्स है मुझे केवल व्हाट्सएप पर ही व्यू हो, मेरे गैलरी के अंदर सेव नहीं हो, तो इसके लिए मैं मीडिया विजिबिलिटी को इनेबल कर दूंगा। कैसे करेंगे, इसके इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, प्रोफाइल पर जाएंगे और यहाँ पर नीचे जाएंगे, मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप नीचे देख सकते हैं कि आपके पास में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यस होता है, आपको इसको नो कर देना है। अब इस ग्रुप में आने वाले सभी मीडिया फाइल्स आपके व्हाट्सएप पर तो रहेंगे लेकिन आपकी गैलरी के अंदर सेव नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ में अगर ये आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो सिंपली आपको अपने अकाउंट्स में जाना, सेटिंग्स में जाना, वहां पर मीडिया विजिबिलिटी का आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको यहाँ पर नो कर देना है। नंबर थ्री, व्यू वंस। अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियल अपनी मीडिया फाइल भेजना चाहते हैं किसी भी कॉन्टैक्ट को और आप चाहते हैं कि खाली वो देख पाए बस, उसके बाद में वो सेव ना रह पाए, तो उसके लिए आप इस फंक्शन को जरूर यूज कीजिए। कैसे करेंगे, जैसे मुझे एक चैट है और इसमें मुझे एक कोई फोटो भेजनी है और इस फोटो को मैं चाहता हूँ कि सामने वाला जो भी रिसिपिएंट है वो केवल एक बार यहाँ पर व्यू कर सके, उसके लिए आपको यहाँ पर राइट साइड में जो डॉट दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास में थ्रेड आएगी, ओके कर देना है और सिंपली सेंड कर दीजिए। सामने वाले के पास कुछ इस तरीके से ओपन होगी और ओपन होते जैसे वो बैक बटन दबाएंगे उसके पास में से ये गायब हो जाएगी, यानी कि वो केवल देख सकते हैं और इसके बिना उनके पास में ये सेव नहीं होने वाली है। नंबर फोर, डिसअपीयरिंग मैसेज। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी चैट के साथ में रेगुलर चैट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो डेटा है उसके पास में सेव नहीं रहे, यानी कि कुछ एक लिमिटेड टाइम और पीरियड के बाद में वो डेटा अपने आप इरेज हो जाए, तो उसके लिए आप डिसअपीयरिंग मैसेज को यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। कैसे करना होगा आपको, सिंपली किसी भी जैसे मेरा ये ग्रुप है और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो चैट्स है वो 7 दिन से ज्यादा सेव नहीं रहे, उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके इन्फॉर्मेशन पे जाऊँगा, यानी कि प्रोफाइल पे जाएंगे और नीचे आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिसअपीयरिंग मैसेज, इसके ऊपर आपको टैप करना है और सिंपली आपको टेन्यू सेलेक्ट करना है कि आपको कितने दिन तक का डेटा इस पे स्टोर रखना है। जैसे मैं 7 दिन का सेलेक्ट करता हूँ, जैसे हम 7 दिन का डेटा सेलेक्ट करेंगे तो 7 दिन के बाद का जितना भी डेटा होगा ऑटोमेटिकली, जैसे 7 दिन से ऊपर एजिंग होती जाएगी, वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर इरेज होता जाएगा। नंबर फाइव, इंटरनेट पिक्चर्स विदाउट सेविंग मोबाइल। अगर आपके पास में मान लीजिए आपको किसी कॉन्टैक्ट को बार बार इस तरीके की इमेजेस सेंड करनी होती हैं जो कि आपके वेब पर अवेलेबल है और वहां से आपको बार बार डाउनलोड करना पड़ता है और फिर सेंड करना पड़ता है, तो आज का दिन आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपली किसी भी जो वेब पे पिक्चर अवेलेबल है जैसे गूगल क्रोम पे कोई फोटो अवेलेबल है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन कॉपी इमेज करेंगे, सिंपली हम चैट पे आएंगे और किसी भी जिस कॉन्टैक्ट को हमें भेजना है वहां पर सिंपली लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आ गई और जैसे हम सेंड पे बटन दबाएंगे ये इमेज ऑटोमेटिकली वहां पर सेंड हो गई है विदाउट सेविंग इन मोबाइल। आई होप सो ये ट्रिक्स और टिप्स आपको जरूर यूजफुल लगेंगे और आप इनका यूज जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर कीजिए।